एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है एंड आई एम श्योर आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया होगा और अपनी तैयारी में भी लग चुके होंगे दोस्तों। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट के लिए हो जाए तो आप किस पोस्ट को चुनेंगे, तो ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेगी मेरी ये वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा इन दोनों पोस्ट में एसएससी एमटीएस और हवलदार में यूनिफॉर्म अलाउंस में डिफरेंस क्या है, सैलरी में डिफरेंस क्या है, वर्क प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, हॉलीडेज में, प्रमोशंस में, एज क्राइटेरिया, एग्जाम स्कीम सब बताऊंगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आपका सिलेक्शन दोनों पोस्ट के लिए हो जाता है तो आप किस पोस्ट को चुनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अज़हर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्स। एसएससी एमटीएस या हवलदार कौन है बेहतर, आज की वीडियो देखकर आप ही डिसाइड करना। शुरुआत करता हूं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं यूनिफॉर्म एंड अलायंस में एसएससी एमटीएस और हवलदार की मैं बात करूं तो क्या डिफरेंस है। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म की तो एसएससी एमटीएस में दोस्तों कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, वही हवलदार में आपको यूनिफॉर्म अलॉट होती है। और देखिए यहां पर अगर यूनिफॉर्म ही नहीं है तो इसके लिए पैसे कहां से मिलेंगे, कोई अलाउंस नहीं मिलता यूनिफॉर्म का। लेकिन इसमें अगर यूनिफॉर्म है तो अलाउंस मिलता है 5000 का, ये ईयरली अलाउंस है, ठीक है, हर साल का अलाउंस है 5000 रुपये। सो ये बात होगी हमारी यूनिफॉर्म और अलाउंस की। आगे बात करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है हमारी इन हैंड सैलरी कितनी बन जाती है। तो अगर एमटीएस में आपकी जॉब लगती है तो आपकी मंथली सैलरी अप्रॉक्स 29,000 पर मंथ बनती है, और वही एसएससी अगर हवलदार की मैं बात करूँ तो 29,400 पर मंथ, ऑलमोस्ट सेम है सैलरी, सेम सैलरी है। तो इससे तो डिसीजन नहीं होता, हम डिसाइड करेंगे वर्क से दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, क्या पता हमारा वर्क से डिसाइड हो जाए कि हमें कौन सी वैकेंसी चुननी है, कौन सी पोस्ट चुननी है। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी वर्क प्रोफाइल की एसएससी एमटीएस वालों के लिए। एसएससी एमटीएस वालों को देखिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, हेल्पिंग टू ऑपरेट इन रूटीन वर्क प्लेसेज एंड ऑन द कंप्यूटर सच एज डायरी डिस्पैचेस वगैरह का काम देखना होता है इनके लिए, कैरिंग फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, बाई फाइल्स और पेपर बिल्डिंग के अंदर अंदर ट्रांसफर वगैरह करनी होती है इधर से उधर, ठीक है। फोटोकॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स वगैरह, ये वाला काम भी इनको अलॉट होता है एसएससी एमटीएस वालों को। वही अगर मैं हवलदार की बात करूं तो देखिए यहाँ पर डूइंग द ड्यूटीज ऑफ अ गार्ड और अ वॉचमैन, इनको ये वाली ड्यूटी करनी पड़ती है, कैरिंग वार्ड ड्यूटीज, वार्ड की ड्यूटीज भी करनी पड़ती है, अंडरटेकिंग द सिक्योरिटी वर्क ऑफ द बिल्डिंग और यूनिट, मतलब सिक्योरिटी भी अपने अंडर लेनी पड़ती है, असिस्टिंग द सीनियर ऑफिशियल ड्यूरिंग रेड एक्सेट्रा, जब रेड पर जाते हैं तो सीनियर्स को उनको असिस्ट करना पड़ता है, मतलब सीनियर्स के साथ जाना पड़ता है, राइट। आगे बात करता हूँ भाई, इससे भी डिसाइड नहीं हुआ तो आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। भाई देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी एमटीएस की कंपैरिजन में दोस्तों कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हवलदार की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई एसएससी एमटीएस 9 to 5 वाली जॉब रहती है और एसएससी हवलदार के लिए शिफ्ट्स में काम करता है, भाई नाइट ड्यूटी भी आपकी लग सकती है, इसलिए क्या है इसकी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से आपने मन बना लिया होगा कि आप कौन सी पोस्ट को चुनने वाले हैं। वही अगर अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए तो हॉलीडेज की बात कर लेता हूँ। एसएससी एमटीएस वालों को ज़्यादा हॉलीडेज मिलती हैं और हवलदार वालों को कम हॉलीडेज मिलती है, नंबर ऑफ हॉलीडेज के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है भाई। प्रमोशन की मैं बात करूँ तो बिकम्स टीए बन जाते हैं, तीन साल के बाद इसमें प्रमोशन हो जाता है, फास्ट प्रमोशन रहते हैं एसएससी एमटीएस में, हवलदार में स्लो प्रमोशन रहते हैं, और इसका जो प्रमोशन होता है नेक्स्ट आपका हेड हवलदार आपको बनाया जाता है, राइट। आगे बात करता हूँ चलिए इसकी एज क्राइटेरिया, भाई एसएससी एमटीएस के अगर अप्लाई कर रहे हो तो 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए जनरल वालों के लिए, अगर जनरल कैटेगरी से हो, अगर जनरल कैटेगरी से हो बच्चे तो आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, अगर ओबीसी से हो तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 साल का, यानी कि 28 साल है मैक्सिमम एज, अगर एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं 30 साल की उम्र तक। वही हवलदार के लिए 18 से 27 साल 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इसमें भी रिलैक्सेशन सेम है, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, राइट। आगे बात करता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दी है, इसकी नोटिफिकेशन आउट होते हैं मैंने वीडियो बना दी थी, डिटेल में बात कर ली उसके सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्जामिनेशन पैटर्न की। यहाँ पर फिर भी मैं मोटा मोटा बता दूँ, एसएससी एमटीएस के सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है भाई, एक दिन का फैसला है, अगर एक वो दिन आपका सही चला गया इसका मतलब एसएससी एमटीएस जॉब आपकी लग गई समझ लीजिए। सिर्फ एक रिटर्न एग्जाम देना है कंप्यूटर पर, वो भी हवलदार के लिए वही सेम रिटर्न एग्जाम देना है और साथ में एक फिजिकल भी देना है। डिटेल वीडियो आप मेरी ये देख सकते हैं, मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दी है इस पर, राइट। तो अब आप फैसला करो भाई आपको कौन सी पोस्ट चुननी है, अगर आपका सिलेक्शन दोनों में हो जाता है यू विल डिसाइड विच वन इज बेटर फॉर यू, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस पोस्ट को चुनने वाले हैं आज की ये वीडियो देखकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, हैव अ नाइस डे।